शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज के इस पर्व को, आज के इस फंक्शन को चार चांद लगाए। खास करके धन्यवाद मैडम प्रिंसिपल का, जिनकी देखरेख में, जिनकी अगुवाई में ये सारा जो फंक्शन है वो किया जा रहा है। साथ में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने सभी कलीग्स का जिन्होंने डेडिकेशन के साथ इस फंक्शन को मूल रूप देने के लिए जो काम किया है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए और एक बार जोरदार तालियां से आप इस मंच को मैं संचालन करूं। अगर नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें तो हम सब इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि डिपार्टेशन इज अलाउड ऑफ नेचर। कुदरत ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों की पालना करना हम सबके लिए जरूरी है। उस दौर को आपने बखूबी दिखाया और जिस तन्मयता से, जिस डेडिकेशन से आपने अपने प्रोफेशन में अपना नाम कमाया, अपनी ड्यूटी को निभाया, ये विश्वास हमारे दिल में है कि जो आने वाला दौर है उसको भी आप उसी बखूबी से, उसी डेडिकेशन के साथ निभाओगे। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ
वो अपने टीचर को भेजा के वो मेरे एज मतलब एज हो चुकी थी, उन्होंने उस रोटी बनाई के सानू दो सोटियां पा ते इस करके बड़े सख्ती सोटियां करियां करियां ते पूरी साहब ने पूरी सख्ती दे नाल अपने पढ़ाया। अगर बच्चे कोई होंदे सी कोई इदां दे तो दो चार उन्होंने बाहर भी खड़े करते सी ताकि दूजे दिन ये अच्छी तरह ये जिन्होंने जो गलती की है ये वधिया बन के आएंगे। वो बच्चे उन्ने ही अगे तो अगे निखर रहे सी ते इन्हां ने अपने सब्जेक्ट के विच भी पूरी तरह अपाउस पढ़ा दे रहे हैं। अपाउस के विच सारे बच्चे साढ़े बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लैके अच्छी अच्छी पोजिशन जिहड़ियां ने स्टेट लैवल ते भी लै के आए, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इन्हां दा बहुत अच्छा इन्हां दा सब्जेक्ट के प्रति भी रहा ते नाल नाल मॉर्निंग भी इवनिंग भी जो भी अपने नाल ए स्कूल के विच जो भी काम भी दिते गए उन्होंने भी इन्होंने बड़ी अच्छी तरह निभाया स्कूल के विच भी और अपने सब्जेक्ट के प्रति भी यह पूरी तरह डिवोटी रहे हैं। इन्होंने मैनू भी क्योंकि मेरी क्लास अक्सर इन्होंने काफ़ी साल बिचाती सी तो मैनू भी इन्होंने अंग्रेजी की तैयारी कराती हूँ मैं क्लास टू को अंग्रेजी चंगी तरह पढ़ा लगा मैनू भी तैयार करते जी क्योंकि इन्होंने एक पीरियड अपना लड़ा लैना नाल मैनू सिखाना कि तुम भी इन्हों बच्चों के टैसट लेने मैं एक अपना प्रैक्टिकल पीरियड के छड़ के वो मैं यही विश्वास रख दिता कि साढ़े बच्चे बड़े अगे निकल जाते जी। बहुत बहुत इस गल की बधाई भी देती हाँ अच भागा भर दिन आया है सच्ची भागा भर ही हूँ कि चंगी सेहत के नी अपना जरा एक प्रोफेसनल लाइफ का जो जिंदगी है वह बिता के चले हो। पहली गल मैं बड़ी देर से सुनती पी हाँ मेरी सुमन भैन मतलब मिसेस कोरी को बड़ा कितने का to know about a person, it's not necessary
अपने टाइम टू वर्क विद देम और टू बी विद देम. व्हेन वी सी समबडी मूविंग अराउंड द वे समवन वॉक द वे समवन टॉक इट लीव्स एन इंप्रेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी विच दैट पर्सन कैरी. एंड अबाउट सुमन मैम एंड सुरी सर आई वुड जस्ट से दैट फॉर मी बोथ ऑफ देम आर scholars and intellectuals. Whenever we come across a person who is a scholar, who is an intellectual, we feel nervous. We can't say anything in like that. We have to think before we speak. So same impression I have got of both of them. Little bit days, whenever I have had a little bit interaction with both of them, I have ever seen they have never shown any attitude of being superior, being so experienced. They have been very humble and very helpful every time whenever I came across both of them. So I just wish I could have more time to work with them. I could get an opportunity to work with them. However, nevertheless, I wish both of them a blissful and wonderful after retirement life ahead and thank you for everything. Thank you. बड़ी मुद्दत से इस मंच से मुलाकात ना हुई, आज इतनी शिद्दत से आपने मुझे याद किया, आज फिर मेरी अपनों से मुलाकात हुई. ये लाइंस मैंने खुद बनाई होती है, कोई कॉपी राइट नहीं है, खुद का. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शंकर की पठानिया. सर किधर हो? जय शंकर. वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू लेडीज एंड जेंटलमैन. दिस इज सच अ वंडरफुल डे दैट वी ऑल हैव बीन गैदर्ड हियर फॉर अ वेरी स्पेशल इवेंट व्हिच इज बोथ बिटर एंड स्वीट. गुजर रहा हूँ यहाँ से भी गुजर जाऊँगा मैं वक्त हूँ, कहीं ठहरा तो मर जाऊँ, कहीं ठहरा तो मर जाऊँ. सच में वक्त किसी के लिए नहीं ठहरा. आपने सभी ने देखा कि हम जब ज्वाइन करते हैं रिटायरमेंट कब आती है, 20-25-30 साल कैसे निकलते हैं हमें पूरी नहीं पता. आज हमारे बीच ये कल थे आज कल नहीं रहे, किस तरह से टाइम उड़ जाता है कुछ पता नहीं चलता. कौन कहता है ज़िंदगी लंबी होती है, कौन कहता है ज़िंदगी लंबी होती है, यहाँ पल का पता नहीं चलता. पर हम बातें किसकी कर रही हैं, वर्षों की कर रहे हैं, सालों की कर रहे हैं. तो जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, इसे खुशी से जीना है, हर पल को जीना है. आज के इस मौके पर मैं एक कविता आपके सामने लेके आ रही हूँ, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी. मैं यादों का एक किस्सा खोलूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं यादों का किस्सा खोलूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे पल की सोचूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं यादों का किस्सा खोलूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं मुद्दत से, अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं मुद्दत से, मैं देर रात तक जगूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं देर रात तक जगूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे, मैं शहरे चमन में टहलूं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं. मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसा है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है. मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है. कभी कभी दीवाना था कभी मीरा दीवानी है, कभी कभी दीवाना था कभी मीरा दीवानी है. मोहब्बत की गल कर रहे हैं आज की जी जरूरत है, रिश्तों में कटुता, अपने मन में कमी, प्यार की भावना में कमी. तो मैं कितने सुन रहा सी, बड़ी बढ़िया गल की कहना, आवट से चौकी गिरी जा रही है ना, मुहब्बत
से दुनिया फिरी जा रही है। मोहब्बत को ओढ़ो, मोहब्बत बिछाओ, मोहब्बत में बढ़कर गुजारा नहीं है। कौन कहता है मोहब्बत में शराफत नहीं है? कौन कहता है मोहब्बत में शराफत नहीं है? लेकिन फिर भी ये कहूंगी कि ये ऐसे जो भी नम्र और धैर्यवान शख्सियतें हैं कि जिनको ता जिंदगी स्कूल के इतिहास में याद किया जाएगा। सबसे पहले मैं पूरी सर के लिए दो शब्द बोलना चाहूंगी। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले, गमों को भी नीचा दिखाने वाले, एक ऐसे शख्स को मैं जानती हूँ जिसके चेहरे पर लाख दुखों के बावजूद, शिकनों के बावजूद चेहरे की हंसी कभी नहीं छूटी। दिल में खुशी हो, दिल में खुशी हो तो चेहरे पर छलक जाती है, मुस्कुराते वजह की मोहताज नहीं होती। हमेशा इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह गाइड किया। जब भी इनसे बात करते थे इनको हौसला मिलता था, संभल मिलता था। मेरा बेटा जब इंटर्नशिप कर रहा था तो सर ने गाइडेंस दी थी कि बेटा आप अपनी स्किल्स डेवलप करो और शायद उसी राह पर चलकर बेटा आज अच्छी कंपनी में कार्यरत है, हैंडसम सैलरी ले रहा है। तो ये सर की गाइडेंस थी। और फिर जब भी कभी परेशान था सर ने एक बात बोली कि रोके मेरे से बात भी कर ली। आती है कितने अंक करे किससे कमा लिया, जो मन में थे उनके कागज पे कभी उतरे नहीं, जो मन में थे उनके कागज पे कभी उतरे नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी आंखें देखकर हमारा आपको सजदा करने को दिल करता है, जैसे खुदा की शक्ल में आंखें एक जैसे कहते हैं ना कि खुदा की जब रौनकें चेहरे पर आती हैं तो आपके चेहरे में वो गुरूर, वो बात, वो नजाकत और सबसे बड़ी बात कि एक रूहानी एहसास आ जाता है। तो ये रूहानी एहसास हमें इनके चेहरे से हमेशा नजर आता है। मैं सुन मेहता मैम को अपने जो आने वाले रिटायरमेंट जीवन की कामना करना चाहूंगी कि खूब खुशी से गुजारें और अपने पारिवारिक दायित्व पूरे करें। और पूरी सर और सुमन मेहता मैम दोनों को बधाई देती हूँ। और very very dear colleagues, I am extremely grateful for this very warm farewell. I am very proud to be a part of this prestigious institution. I always wish the best for this institution for and all of you. बहुत ही एक परिवार है जिसे विच इतना ज्यादा प्यार है और मैं हमेशा
अपने ही गाँव में था, चाहे खुशी का मौका से चाहे गम के मौके से, जिस राज्य में गई मैं पहले गई तो सारे का शुक्रगुजार हूँ। मेरा पूरा फैमिली जितने भी लौट के मेरे बाइक के लिए थे, छोटे बाइक से हो रही उसे मैं मन बस के लिए मैं जाना चाह रहा, मैं अपने इमीडिएटली चेक योर बाइक परमात्मा की अरदास करा कि खुश रहना आने वाले दिन की
हेल्दी और वधिया जी अपने बच्चों के अपने परिवार के खुशियां रहन और जो भी सानू लोड पे सानू मिल के जरूर जा जो भी शहर में हो सानू मिल के जरूर जा इस स्कूल के साढ़े दिल के साढ़े घर के सारे दरवाजे के वास्ते खुले हैं हमेशा जो मर्जी अपना समझ के आ हमेशा स्कूल पूरा स्टाफ मैं मेरा घर साडा दिल का इंतजार करता रहेगा जिस तरह इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है अभी तो बहुत कुछ सीखे।